जो मंच पे जाकर बैठते हैं, इनसे पूछा आपके बच्चे कहाँ हैं, क्यों नहीं आते ऐसे प्रोग्रामों में? इसलिए नहीं आते हैं कि बीबी क्या कर रही है, करवा चौथ मना रही है, और बेटा बेटा क्या कर रहा है, छोटा भीम देख रहा है, और बेटी क्या कर रही है, शॉपिंग मॉल पे है, और बाप यहाँ चिल्ला चिल्ला के जे भीम। भाई तेरा छोटा भीम देख रहा है घर में, उसको बता 22 प्रतिज्ञा क्या होता है, संविधान क्या होता है, ये नहीं बता रहे हैं। और बेटी पति परमेश्वराय नमो नमा कर रही है और चौड़ा चौरथ मना रही है, और बेटी साथ फेरा ले रही है, ओ उंगड़ी सड़िंग सुहा। अरे देखो सुनो क्या मंत्र पढ़ते हैं, नौकरी पैसा आ जाता है, ओ उंग जुड़े जुड़ा चमार IPS बन गया फिर भी गुलामी नहीं गया, ओ उंग सुहा सातवीं फेल पहना देता है, ओ उंग सर फिर भी का अकल नहीं, या फिर भी चमार ही रहेगा, नीचे जाओ ग्रक में ओ उंग सुहा। अरे जो तुम्हें छूने से उसका पाप लगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हें जो भला हो जाता है कैसे भला होगा, वो यही तो गुलामी है। ऐसा मत समझो PhD करने से गुलामी नहीं रहती है, PhD वाले सबसे ज्यादा गुलामी है। आपके मंच पे कई ऐसे जिन्हें जानते हैं चुपके से मंदिर जाते हैं, वही तो कह रहे हैं बाबा साहब के रास्ते पे मैं टीका लगाया, बाबा साहब के रास्ते पे चल के मैंने हिंदू धर्म स्वीकार किया, बाबा साहब यही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जो मंदिर पर तेल भी चढ़ा कराएंगे, तेल और मारेंगे और क्या करेंगे। विवेक देवराय आर्थिक सलाहकार है, तो भाई टमाटर का रेट क्यों बढ़ रहा है ये तो बता, आर्थिक सलाहकार आर्थिक सलाह दे ना, वो जज LLB तो है ही नहीं, वो संविधान तो पढ़ा नहीं है, कितने देश का संविधान पढ़ा है उसको पता नहीं है, और भाषण दे रहा किसके ऊपर, संविधान के ऊपर। आप बताओ मुझे 100,000 लोगों ने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा, मंत्र पढ़ा, फिर भी भारत हार गया, तो ये भी पूर्ण ना हो चुका है। भगवान चेंज करो, हनुमान चेंज करो, हनुमान चालीसा चेंज करो, फिर मंत्र चेंज करो, ओम इडिंग स्टिंग तरह स्वाहा, पता नहीं पता नहीं। इन प्रोग्रामों से क्या फायदा निकलता है? इस प्रोग्राम से व्यापक तरीके से पूरे देश और विदेश से जो संविधान को मानने वाले, संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को मानने वाले लोग, संविधानिक साक्षरता को बढ़ाने के लिए अपील है ये। दूसरी तरफ एक वार्निंग है उन ताकतों, उन सोच को जिन्होंने संविधान के खिलाफ जाके, संविधान तो ओत लेते हैं और संविधान के खिलाफ बोलते हैं, और माइंड में क्या है, मनुस्मृति, अंदर क्या है, वही काम कर रहा है। इनके अंदर है ये, यही है। देखिए जाति है तो जातीय मानसिकता रहेगी, जज की भी जाति है, मैं सिर्फ जुडिशियरी पे फोकस कर रहा हूँ, जज है तो जाति है तो जातीय मानसिकता है, जातीय मानसिकता होगा तो जाति के हिसाब से वो इंटरप्रिट करेगा, क्या करेगा, ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन करेगा, स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरल हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, जो इंटरप्रिटेशन करता है संविधान को उसका क्या करेगा, ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन, HIV है तो एड्स होगा। तो हमारा मानना है जाति एक सच है, जातीय मिंसा का आपके अंदर है, क्योंकि जज भी तो जाति के बाहर, आपको मोहन भागवत के साथ खड़े हो जाना चाहिए, अब क्यों होना चाहिए, वो कह रहे जाति खत्म होनी चाहिए भारत से, होना चाहिए, किसने मना किया, होना चाहिए, करो फिर सोटी बेटी हर ईंट पे, विज्ञान भवन में इन्हें जितने भी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब OBC के, माइनोरिटीज के, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, कितने जज बने हैं, कितने बैरिस्टर बने हैं, कितने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन आज तक शेड्यूल का OBC के बने हैं, पर आप तो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं ना, हाँ कर रहे हैं, तो पता तो जातिवाद बढ़ेगा नहीं, क्यों बढ़ेगा भाई, आपके ऊपर कैंसर है, आपका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, नाम लिखूंगा ना, क्या लिखूंगा, मिस्टर जाटव साहब क्या हुआ है, डायग्नोसिस हो रहा है, जातीय जनगणना होगा तो पता चला 100 आदमी है, 100 रोटी बांटेंगे तो हिसाब, प्लानिंग होगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा किसको किसके हिस्से में किस तरह जाएगा, तो इसीलिए जाति गिनती हो जाए। अभी तक 70 साल में कितने लोगों, कौन से जाति को कितना लाभ मिला है, आप शेड्यूल ट्राइब के एक जज नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट में, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बना है, अभी कोई जाट गुज्जर कभी जज नहीं बना है, इसका मतलब वही है कि न्याय देने का जो खास ठेका जो है खास जाति के लोगों को दिया गया, यही है, योग्य है वो लोग, योग्य किस तरह से है भाई, मेरी मिट्टू भी एक पैरट है, मिट्टू है मेरा, मिट्टू भी अच्छा खासा पढ़ लेता है, तो इसका मतलब उसको दे दो। सुधीर चौधरी की बात सुनी नहीं आपने, आरक्षण घातक है देश के लिए, हाँ तो पर मेरिट वाले वर्ल्ड कप जिता दिया आपको, मेरिट वाले जिता दिए, मेरिट हमारे जूते के नीचे रहता है, दुनिया में जितने मेरिट हमारे पास हैं, हम जूता सिलने वाले हैं, घर बनाने वाले हैं, भारत को बनाने वाले लोग हैं, हमसे अगर मेरिट नहीं है तो एरियल और एंटेना में मेरिट है। इसने क्या किया, 700 साल ने तुम्हें रूल किया, मुगलों ने बेटी को दे दिया अकबर को, क्या जोधाबाई को लो अकबर कर दिया, वो लोग कहेंगे उनके पास मेरिट है। सुधीर चौधरी ने आरक्षण के खिलाफ इतनी बड़ी बात बोली, कितने सरकारी कर्मचारी विरोध में निकले सुधीर चौधरी के, सरकारी कर्मचारी के, देखो एक कोड ऑफ कंडक्ट से चलता है, भारत के जो लोग हैं जो आवाम है वो धीरे धीरे तेजी से संविधान की ओर जा रहा है, चारों तरफ संविधान के बारे में जाकर 2011 में हम लोग यहीं पर दिल्ली पे, आप लोग कहते संविधान मजबूत हो रहा, दूसरी तरफ कहते हैं कि 75 वर्ष होने वाले, RSS मनुस्मृति घोषित कर देगा, नहीं संघ को 100 साल पूरे, उनका घोषित करने से पहले यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, केशवानंद भारती वाला केस है, बेसिक स्ट्रक्चर को
किसी भी हालत में कमा फुल स्टॉप चेंज नहीं कर सकता, चाहे पार्लियामेंट जितने बार चाहे बहुत सारे बदलाव कहे 368 कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बदलाव करने की अमेंडमेंट करने की पार्लियामेंट भी कोशिश की, मगर सुप्रीम कोर्ट उसको इंडस्ट कर दिया। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो भी चाहेगा जो भी कानून होगा पास कर देगा। आप अपने प्रोग्राम में इन वक्ताओं को बुलाते हैं, डॉक्टर अंजू बाला है, कितने दलितों पर अत्याचार, वो अंजू बाला बीजेपी की हो सकती है, पहले वो अनुसूचित जाति आयोग के मेंबर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे बैठी है। क्या काम है उनका? उनका काम है कि उनके पास जो ग्रीवेंसेस जाएगी उसको रिड्रेस करेंगे। अभी ये सवाल है, यहाँ पे अगर मान लीजिए लोग क्वेश्चन टैग करना शुरू कर देंगे, इश्यूज के बारे में बोलना शुरू कर देंगे, उनको घेरावो करेंगे, डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप का काम है। बहुजन समाज खड़ा हो जाए, अरे दिल्ली में अगर खड़ा हो जाएगा 1 करोड़ लोग, उसका बाप करेगा? आपने प्रोग्राम में इतने चीफ गेस्ट बुलाए, कोई नहीं आया सिर्फ बीजेपी को छोड़कर? नहीं, क्यों नहीं आया? जस्टिस केत नॉन पॉलिटिकल है, बहुत सारे हस्ती वहाँ पे नॉन पॉलिटिकल, जयंत चौधरी आए और अखिलेश यादव जी, वो जयंत चौधरी के तो देखिए समय नहीं, समय समय की बात है। अखिलेश यादव, उसके बाद और भी अखिलेश यादव आए हैं, उनका पढ़ के सुनाई, वो फैमिली प्रॉब्लम था, वो आ नहीं पाए। उसके बाद अपना मल्लिका खड़गे साहब का, उनका भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, जस्टिस बालकृष्णन जी का। देखिए बात है कि ये हल भरा हुआ था, मेन मकसद क्या है, संविधान जन जागरूकता वो फैल रही है, संविधान सख्तर बढ़ेगा। ये जो क्रीम बैठी थी कितना संविधान अभियान चला रही है जाकर गाँव में, कितना बता रही है लोगों? चला रहे हैं, कहाँ चला? इसके बाद नजर नहीं आता सर। इसके बाद मान्यवर दिसंबर जनवरी में पूरे स्टेट हेडक्वार्टर में महासंघ के माध्यम से जो पदाधिकारी जाके वहाँ पर एक मेमोरेंडम देंगे होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रामलीला मैदान। मानते हैं समाज की क्रीम है? समाज तो बहुत बड़ा है। नहीं, समाज की क्रीम यहाँ पे ठेकेदार नहीं आई है, कंट्रैक्टर नहीं आई हुए हैं, बिजनेस करने वाले नहीं आई है, ये एक एम्प्लॉई है जिन्होंने इस हॉल का बुकिंग किया है, 20-25 लाख इसका कॉस्ट पड़ा है समथिंग, लोगों ने अपने अपने चंदा करके जो भी करके सब लोगों ने 5-5 दे के इसको भर के रखा, आप लोगों के लिए आयोजन किया। और देश में जो मेमोरेंडम दिया गया माननीय महामहिम जो एक्स प्रेसिडेंट थे, हालांकि जो एक्स हो गया, क्या है क्या वैल्यू है अभी है, वन मैन वन इलेक्शन का जो चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन का, उस इशू का तो चेयरमैन चाहते हैं वो वन इलेक्शन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, वो चाह के भी नहीं कर सकते। महामहिम अभी एक्स महामहिम है ना, वो चाह के भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, दलित समाज स्ट्रक्चर के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर जो शेड्यूल बना हुआ है ना मेरे देश में, गांव में जो इलेक्शन होता है उसका इशू अलग है, उनका दबाव पानी अलग है, उनका रास्ता घाट अलग है, उनका इशू अलग है, उसके बाद सेकंड ब्लॉक पे आइए, ब्लॉक का इशू अलग है, गांव गांव के अंदर डिस्प्यूट है, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का बहुजन समाज विरोध कर रहा है, उस योजना के चेयरमैन को आप बुला लेते हैं? चेयरमैन वो कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वहाँ से यहाँ पे आके उनको क्या बात किया, बाबा साहब के बात किया, यहाँ जो भी आएगा वो बाबा साहब के बात करेगा, संविधान की बात करेगा, उससे हट के बात करेगा तो उसको भी हटा देंगे। समाज का उद्धार होगा यहाँ से? समाज का उद्धार कितना होगा वो आप तय करोगे, चौथा स्तंभ हो वो दिखाओ आईने में कितना हुआ है, नहीं वो एक्सपोज करो उन लोगों को जो लोग मंच पे क्या कहते हैं, बाहर क्या करते हैं, घर में क्या रखते हैं, बाहर क्या बोलते हैं, पार्टी में रह के क्या कहते हैं, पार्टी में दूसरे पैर पकड़ के क्या कहते हैं, ये तो चौथे स्तंभ का आकलन करने का विषय है। कांग्रेस कह रही है हम जाति जनगणना कराएंगे, हमें वोट दें सब, वो तो कह रही है, कहने दो उसको, लेकिन आपने छत्तीसगढ़ में क्या किया, अपने राजस्थान में क्या किया, अपने मध्य प्रदेश में जो आपका सरकार था आपने उस तरह पर क्या किया? भाई हर जगह पे ये हैं, आपके चीफ जस्टिस हैं, कोर्ट छोड़ दो, हर जगह पे दिक्कत है तो छोड़ दोगे? आपको लड़ना है, संविधान को पढ़ के लड़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को पढ़ना है, अच्छे तरीके से डेटा एनालिसिस करना है, और ऐसे ऐसे हवाबाजी भाभा नहीं करना है, आपको पहले ईमानदारी से एडवोकेट बनना है, तब तो जज बनेंगे। आप सब लोग चाहते हैं प्लस टू पास करने का, बेटा को बीएड कर लो, डॉक्टर इंजीनियर बना लो, कोई एडवोकेट बना ही नहीं रहा, क्योंकि रिक्स है वहाँ पे पढ़ना लिखना, 5 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, 5 साल यहाँ पढ़ के स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बनता है, उतना सैक्रिफाइस करने के लिए समाज तैयार नहीं है। मिशन मूवमेंट तब मजबूत होगा जो मिशन को लोग समझे, एक दूसरे को मिस नहीं करते, एक दूसरे को आदर नहीं करते, एक दूसरे को सम्मान नहीं करते, ईर्षा भावना है, बुद्ध का तो नाम लेते हैं, सबसे ज़्यादा हिंसक भावना पिंचिंग करते हैं, करुणाशील तो दिखाई देता नहीं है, मूवमेंट का मूव करते हुए मूवमेंट होता है, यूपी बिहार का महापुरुष दिखते हैं, बाकी देश में क्या महापुरुष नहीं है? उत्तर आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा महापुरुष वही पैदा हुए। किसके खिलाफ लड़ाई आप लोगों की? एक विचार के खिलाफ, एक सोच के खिलाफ, ब्राह्मणवाद, जो गैर बराबरी, संविधान चाहता क्या? बराबरी वाला, समता स्वतंत्रता न्याय और भाईचारा का सिद्धांत को कायम करता है, इगलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है, तो वो समतामूलक समाज बनाने का जो मुहिम है, जो प्रेमबुल कहता है, जस्टिस के बारे में कहता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में कहता है, इकोनॉमिक जस्टिस से बात करता है, सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है, उसी के
स्थापित करने के लिए ये सोच है, उसके खिलाफ जो भी आएगा संविधान के नीचे दब के मर जाएगा। ये बीच बीच में जो आवाज़ आती है संविधान चेंज कर दो, बीच बीच में आवाज़ आएगी, कष्ट होगा उनको। जो लोग सोचते थे कि ये लोग नीचे ही रहना चाहिए, हमेशा दबे हुए रहना चाहिए, मैला वस्त्र पहनना चाहिए, कोट टाई नहीं पहनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए, प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, आज एक प्रेसिडेंट कह रहा है ना, बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता तो मैं नहीं होता, आज संविधान बन गए, दो दो राष्ट्रपति बन गए, एक चीफ जस्टिस बन गया, अभी एक जस्टिस बन के चले गए, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, हर मत पे रहते तब नहीं बोलते ना ये लोग, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है ना, प्रोसेस में आ रहे हैं, एक प्रोसेस है ये, 70 साल हुए हैं, 1000 साल का गुलामी इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो ये जो गैर बराबरी वाला जो समाज था उसको ठीक करने में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी को डेवलप हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर देश में बहुजनों के लिए सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस है, बीजेपी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, जब तक जो उनके जो रूलिंग क्लास के लोग हैं वहाँ पे काबिज हैं, तब तक वो कभी नहीं चाहेंगे उनके बराबरी में दूसरा जो बहुजन समाज खड़ा हो। किसने नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाया बहुजन समाज को? दोनों ने, कांग्रेस ने भी, सोच एक ही है। अरे ये जो दलित में रहनुमाई कर रहे हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस का मुखिया कौन है, राहुल गांधी, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन प्रेसिडेंट बने हुए, बना हुआ प्रेसिडेंट, जिसको बनाया जाता है, बनता नहीं है, बनाया जाता है, ठीक है, जैसे रखा हुआ है लेकिन बना हुआ, जिसको बनाया जाता है, आ जाओ पिंटू सिंटू बैठो, उनको बैठाया गया है, उनका पार्टी नहीं है। दूसरा जैसे कि मनोनीत किया जाता है, दलालों को भड़बे को बैठाया जाता है, पढ़ा लिखा लोगों को, वैल्यू नहीं इनकी दूसरी पार्टियों में दलितों के, क्या वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा बताओ। जो आदमी खुल्लम खुला ब्राह्मणवाद का प्रचार प्रसार चल रहा है, उनका मंदिरों में जाना, हर जगह में जाना, बोलना पीलना, उनका रहन सहन कुछ भी बदलाव हो नहीं रहा है, आपके स्टेट में करो ना। नहीं, सारे नेता जाते पहले अम्बेडकरवादी बनते फिर सारे मंदिरों में जाते, वही तो है, मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला, विचारों की बात कहां रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जज सुप्रीम राजकुमार आनंद कट्टर अम्बेडकरवादी थे, आज कट्टर ब्राह्मणवादी हो गए। देखिए पार्टी किसके है, पार्टी बनिए की है, तुम्हारा शोषण करने के लिए तो पार्टी बनाई गई है कांग्रेस, तुम्हें हरिजन बनाने के लिए तो पार्टी बनाई है। ऐसा करें आप लोगों पे, आप भी तो कल को ऐसी करोगे, जाके कहीं चले जाओगे। देखो अभी तक तो ठीक हो, बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लीडर हुए हैं जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों बाबा साहब को बदनाम किया जा रहा है? बाबा साहब को बदनाम करने वाले को एक्सपोज किया जाए, वो चौथा स्तंभ का काम है, वो करे। क्यों धोखा दिया जा रहा समाज? समाज को इसीलिए धोखा दिया रहा क्योंकि समाज में जनजागरूकता फैल नहीं रही है, समाज हीरो वर्शिप कर रहा है, एक को लीडर मान लेता है, उसके बारे में कुछ सुनता नहीं है। ये सब हम भारत के लोग में आते हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संविधान से बढ़कर कुछ है नहीं, वो संविधान ही इनको। आप प्रोग्राम आज कर रहे हैं और रामनाथ गोविंद को चीफ गेस्ट बना रहे हैं, जब वो राष्ट्रपति रहे तो क्या किया उन्होंने समाज के? राष्ट्रपति जब थे तो क्या किया उसको पूछा जाना चाहिए। और दूसरी बात महत्वपूर्ण तो आप रहे ना, देखिए बुलाए उनको, इनवाइट किया, एक्स प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है, और चार जो तंत्र, एक तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, आपका जुडिशियरी, अभी जस्टिस कैथ साहब भाषण देके गए, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बातें करके गए, भाई सीधी सी बात है, केस हमारा जज तुम्हारा नहीं चलेगा, तुमसे मेरिट आज तक मेरिट किए ना, 70 साल हो गया जज में, आप कितने करोड़ों केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में, कह रहे हैं कि मोरनी जो है मोर के आंसू से प्रेग्नेंट होता है, उसका वो रेप नहीं हो सकता क्योंकि वो अछूत है। अभी सीधी से सीधी लड़ाई है, संविधान में बन गया, पार्लियामेंट में बन गया बाबा साहब का स्टेचू, अभी सुप्रीम कोर्ट में बन रहा है। बाबा साहब ने क्या मैसेज दिया, कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर, अभी मैसेज किया जाएगा कैप्चर द टेम्पल ऑफ जस्टिस। स्टेचू बन गया, खुश हैं आप? नहीं, दो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, एसएसएस नहीं बने, 2008 से रिजर्वेशन इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला रहा हूं, डंके के चोट पे कह रहा हूँ, केस हमारा जज तुम्हारा नहीं चलेगा।